हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G04 फ़ोन है, तो मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे रिमूव कर सकते हैं मोटो G04 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फिंगरप्रिंट लॉक को आप कैसे अपने फ़ोन से हटा सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को रिमूव कर सकते हैं या फिर सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स हैं ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, जिसको आप यूज़ करके अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक भी लगा सकते हैं। स्लाइड करते हुए जाते हैं तो आपके पास सेटिंग्स आती है। सेटिंग्स आती है आपके फ़ोन में, सिस्टम सॉरी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे जाना है आपको, बायोमेट्रिक पे जाना है, फिंगरप्रिंट पे जाकर इस तरीके से पासवर्ड डाल देना है। तो फिंगरप्रिंट हटाना चाहते हैं तो इस पर डिलीट कर देंगे तो आपके फ़ोन में हट जाएगा फिंगरप्रिंट। इस तरीके से हटा सकते हैं, एंड आप सेट करना चाहें तो सेट भी कर सकते हैं, बस फिंगर को टैप करना है। इस तरीके से फिंगर आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। देख सकते हैं कि फिंगर आपके फ़ोन में लग जाएगा, जिसको आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से सेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक को आप इस तरीके से यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, और सेट करना चाहें तो सेट भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो